हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आज थिएटर्स पर रिलीज हो गई है। करण जौहर के बैनर तले बनी इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। पुनीत मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। अगर आप भी इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जान लें कि ये फिल्म आपके देखने लायक है या नहीं। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी के साथ। फिल्म में अनन्या पांडे, तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म में टाइगर देहरादून के सेंट टेरेसा कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज में टाइगर का सामना पोस्टर बॉय आदित्य सील से होता है। दोनों के बीच स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की ट्रॉफी ले जाने की भिड़ंत होती है। वहीं फिल्म में अनन्या एक अमीर बिगड़ैल लड़की का किरदार निभा रही है। वहीं तारा सुतारिया एक ऐसी लड़की का रोल प्ले कर रही है जो कि डांस कॉम्पिटिशन जीत कर एक बेहतरीन डांसर बनना चाहती है। फिल्म में ट्रॉफी को लेकर टाइगर और आदित्य सील के बीच लड़ाई होती है। इसके अलावा फिल्म में अनन्या, तारा और टाइगर के बीच एक लव ट्राइंगल देखने को मिला है। फिल्म में टाइगर अनन्या और तारा में से किसे मिलते हैं और ट्रॉफी किसके हाथ लगती है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं है, साथ ही फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी और काम किया जा सकता था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है, साथ ही फिल्म को बेहद ही शानदार लोकेशन पर शूट किया गया है। 42 ड्रामा प्यार, दोस्ती और एक्शन से भरपूर है, लेकिन पुनीत मल्होत्रा का डायरेक्शन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है। टाइगर का एक्शन भी फीका ही नजर आया है। बात करें स्टार्स की एक्टिंग की तो फिल्म में टाइगर ने शानदार काम किया है। साथ ही इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर रही अनन्या और तारा ने भी अच्छी एक्टिंग की है। फिल्म का म्यूजिक भी ठीक ठाक है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप एक बार फिर से अपनी कॉलेज लाइफ को याद करना चाहते हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3 स्टार्स दिए हैं। कीर्ति मौर्य फ्रॉम द वर्ल्ड न्यूज। टाइगर, हियर हियर। सो 90% की बात हो रही है तो अनन्या ने तो बता दिया कि उनको कभी नहीं मिले, तो आप दोनों को कभी 90% या फिर उससे अबो कोई मार्क्स मिले हैं? मैम, मैं तो अनपढ़ हूँ, तो मैं स्कूल गेट अबव 90% समटाइम्स व्हेन आई वाज लकी। तो या, और पॉकेट मनी कितनी मिलती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी कम है इसलिए उन्हें 90% ऑफ मिल रहा है। आप लोगों की पॉकेट मनी कितनी थी 10th तक? Well, I never asked my parents for money, but मैं मेरा football के साथ खुश था। I used to just play sports and that's it. So I used to not be very into shopping or buying things or anything. बाकी खाना वगैरह तो घर से आता था, मम्मी बनाती थी, तो I used to never eat out also. I was always making my friends treat me for some occasion or the other, so I was very cheap that way. I think my parents were very strict when I was in school. I wasn't allowed to eat out and all that because I was training very heavily in dance. So I don't think pocket money and all of that was... I never really thought about that. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. Hello. Hi, this is Alice. Hi, Tara, Ananya. Sirf ek hafta reh gaya hai aapki film ke liye. Only 1 week. To kitna excitement hai, intezaar hai. Kya lag raha hai? Bade parde pe aapko dekhenge sab. I think हम बहुत excited हैं, बहुत nervous भी है obviously. It's our first film and there have been so many firsts actually that we've experienced, especially in the last few weeks trailer के बाद जो हुआ है. I think we just can't wait now for the audiences to see our film and hopefully they love it. I think you just made me realize that it's 1 week away and there was so much happening that you know it didn't even hit me. So I'm just very excited and I hope you all like the movie. I had to kiss 2 girls, so that was challenging. That was challenging? That's not supposed to be challenging. For me, that's a very daring bazi. Thoda. Do ladki hai ek picture mein. Lucky guy.
Lucky me, that's true. Mine was dancing with Tiger for sure, I think. We both did the same dance class actually, and I've really not reached his level. So I think just trying to keep up with him was hard. Kissing wasn't hard. Hi, Tiger. This side, this. Haan ji, sir. Towards your left. Okay, hi. आप तीनों से एक्चुअली सवाल है, अनन्या, तारा, टाइगर. जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करते हैं दोस्तों के साथ, फन एक्टिविटीज होती हैं. ऐसी कोई खास घटना जो आपको अभी तक याद रह गई हो स्कूल में कि कुछ वियर्ड हुआ था? आई थिंक जब हम हमारी फिल्म देखते हैं तो हमारी स्कूल की लाइफ बहुत बोरिंग कंपैरिजन में लगती है. Like nothing can be as exciting as CNTs, I feel. No? Totally. Sorry, Sarkavi. I think once is enough. Okay. अच्छा, चलिए, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो फिल्म रिलीज होने में अभी एक हफ्ता बचा है, लेकिन सोशल मीडिया जितना प्रेज करता है उतना क्रिटिसाइज भी बहुत करता है हर छोटी छोटी चीज को लेकर. बार बार ऐसे कहा जा रहा है कि यार कॉलेज तो इस तरह से नहीं होता है, इस तरह के कपड़े कौन पहनता है, इस तरह की घटनाएं नहीं होती है. तो ये जो फिल्म रिलीज होने से पहले, फिल्म रिलीज होने के बाद तो चलिए क्रिटिसिज्म अलग बात होती है, लोग फिल्म देखते हैं, ये जो पहले ही थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है इससे क्या आप लोग नर्वस हैं, कुछ माइंड में चल रहा है इसे लेकर, आप लोग तीनों कुछ बताना चाहें? आई थिंक जस्ट द फैक्ट दैट यू नो पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट यू नो आवर ट्रेलर इन ऑल काइंड्स ऑफ वेज, इससे साबित होता है कि यार आई थिंक वी हैव डेफिनेटली क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ एन इंपैक्ट इन ऑन सोशल मीडिया. और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ ऑडियंसिस के साथ और जितने भी सोशल मीडिया पे लोग जो मौजूद है और जो कह रहे हैं. आई थिंक बहुत अलग किस्म का कॉलेज है ये, एंड काश मैं इस कॉलेज में होता है यार. पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती और यू नो इट्स नाइस, इट्स बट इट्स नाइस एट द सेम टाइम यू नो शोइंग स्पोर्ट्स इन दिस इन दैट, एंड इट शुडंट जस्ट बी अबाउट स्टडीज, यू नो यू शुड जस्ट हैव फन, एंजॉय योर यूथ एंड हैव अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल इन कॉलेज. अनन्या, तारा, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग? हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर वो मीम्स भेजते रहते हैं तो हमें बहुत मजा आता है. आई थिंक एक्साइटिंग है, बस होना एक्साइटिंग भी है, लेकिन आई थिंक अलॉन्ग विद द ट्रोल्स एंड द फनी मीम्स आई थिंक हमें बहुत सारा प्यार भी मिला है. तो आई थिंक वी आर फोकसिंग ऑन दैट, एंड व्हेन इट कम्स टू द मीम्स एंड द ट्रोल्स वी आर स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम क्वाइट ऑफन एंड वी हैव अ गुड लाफ ओवर इट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइगर, एक छोटा सा सवाल कि पुनीत, सॉरी, कैन आई जस्ट ऐड ऑन दैट, फ्रॉम एन एग्जीबिटर पॉइंट ऑफ व्यू द वे वी लुक एट इज any publicity is a good publicity. Okay, so when people start talking about it, which means that your subject is getting the concern matter, right? Eventually Friday afternoon we'll speak when the audiences will start posting the movie reviews. As of now, anything that happens in social media, as an exhibitor, I mean, they may be quite attached with an movies that they're working on for 3 months, but I really feel that any publicity is good for the movie. So people are talking about it, people know that. Now I heard this term SOTI, so SOTI 2 is coming. So you know, I was quite, and I actually as an exhibitor asked my one of the fellow team member, what's this SOTI about? This is the student of the year. So there are names, there are publicity which are going around, and this is the largest trending movie किया गया है उनकी action image के हिसाब से, और वो सारी चीजें फिल्म में डाली गई हैं जो टाइगर जिसके लिए जाने जाते हैं. तो आपका कमेंट क्या है इस बारे में? आई थिंक एक हद तक बिल्कुल सही कहा आपने, एंड द गोल वाज टू फॉर मी द रीजन आई एम डूइंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू इज क्योंकि मुझे एक अलग किरदार निभाना था और कुछ अलग करना था, एक्शन से थोड़ा हट के मुझे कुछ और करना था. तो इस मूवी मुझे वो मौका मिल रहा है इस मूवी में, और बाकी I have to at the same time serve my audience as well. So I think Karan sir aur Puneet sir dono ne ye faisla kiya ki we should also not let Tiger's audience down. So I think ek balance hai. I think it's fair to say ki yaar single screens mein I think I have a pretty good audience. So we have to sort of, you know, make it a more of a holistic film. Ye nahi keh rahe ki it's just a multiplex film or just a single screen film. I think it's a film for everybody, and just the youth and families overall.
तारा एंड अनन्या योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल ये था कि फिल्म से फिल्म का एक एक गाना एक के बाद रिलीज हो रही है और गाने को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और आप दोनों को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग. जिस तरह का क्रेज बढ़ता जा रहा है आप दोनों का, ऐसा भी हो सकता है कुछ दिनों में आप दोनों नेशनल क्रश बन जाओ, तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा आपका, आपका रिएक्शन क्या होगा आप दोनों का? So nice. I hope हम national crush साथ में बन जाए, वो बहुत exciting होगा. तो flattering है, बहुत sweet है. तारा? I think it's so sweet. हम comments पढ़ते हैं on Instagram and Twitter and everywhere, and to see the reaction and the appreciation that we already get before the film is out, हमें बहुत खुशी मिलती है and I hope fingers crossed कि हम national crush बन जाए. Tiger, आपसे ये सवाल था, ये कपिल शर्मा शो पे आप प्रमोशन में गए हुए थे तो आपके सामने आपके डैड जैकी सर का किरदार कृष्णा ने प्ले किया, तो कैसा आपको देख के कैसा लगा, क्या रिएक्शन था आपका? उनका एक इंट्रोडक्शन शॉट था और थोड़ा मतलब दूर से आ रहे थे और जिस तरह वो खड़े थे और जिस तरह वो लग रहे थे ऐसा लगा कि सच में पापा आ चुके थे सेट पे. तो मेरी थोड़ी फटी अंदर से क्योंकि यू नो डैड का पर्सनैलिटी इतना बड़ा है तो मुझे कौन देखने वाला. तो I actually thought it was dad. So yeah, great job, huh? Kapil sir show and Krishna did a fantastic job.